और आयरन मैन सर अभी तो आप खुश हो ना क्योंकि हमारे को हमारा रोबोट सूट मिल चुका है। तीनों के तीनों रोबोट सूट अभी हमारे पास है। मजा ही मजा, मजा ही मजा। सिमचन तो देख रहा है ना, अभी तो हमारा दिन है। शिवा देख रहा है ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन, तूने बिल्कुल सही बोला है। आज से ये तीनों के तीनों रोबोट सूट हमारा है और GT5 में और किसी के पास भी नहीं है। मजा आएगा। अरे वाह फ्रिंगलिया, शिवा ने बिल्कुल सही बोला है। आज तुम्हारी मजा ही मजा है, मजा आएगा। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अरे हाँ तूने बिल्कुल सही बोला है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है रोबोट सूट। सारे के सारे मजेदार बात है। अरे बुर्वक फ्रैंकलिन, सिमचन, शिवा इतना खुश मत हो। हमारे पास अभी भी सारे के सारे रोबोट सूट नहीं है जो कि बनाना पड़ेगा। मैं सारे के सारे रोबोट सूट तो बना लूंगा लेकिन एक रोबोट सूट है जो मैं नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बैटमैन बना सकता है और वो सूट मैं कभी भी तुम लोगों को दे नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। वो सूट है रोबोवाई का ड्रिलिंग सूट, समझ रहे हो ना तुम लोग? तो सारे सूट अभी भी हमारे पास नहीं है। अरे आयरन मैन सर काहे दिक्कत लेते हो, अभी जाके बैटमैन से लेके आते हैं ना वो सूट, तब तो सारे सूट हमारे पास आ जाएगा ना। अरे बुर्वक फ्रैंकलिन, अगर ये इतना इजी होता ना तब तो मैं कब का कर चुका होता और उस ड्रिल सूट को मैं लेके आता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताए कि वो अभी मिलिट्री बेस में कहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन वो सूट कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता है और तुम उसे कैसे पा सकते हो वो भी मुझे नहीं पता है। तो अगर तुम उसको ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। मैं तुमको सिर्फ एक ही हिंट देख सकता हूँ कि वो रोबोट सूट अभी है मिलिट्री बेस में कई बार छुपाया हुआ, अभी कहाँ पर है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अरे अरेंजमेंट सर ये भी कोई दिक्कत लेने वाली बात हुई वाला, हमको ये तो पता है ना कि वो सूट अभी मिलिट्री बेस में है, यही बहुत है, हम ढूंढ लेंगे ना, है ना फ्रिंगलिया? मैंने सही बोला ना, मजा आएगा। अरे हाँ सिमचन तूने बिल्कुल सही बोला है। आयरन मैन सर हमको इतना तो पता है ना कि वो सूट अभी मिलिट्री बेस में है और मिलिट्री बेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम जाके एक बार ट्राई करते हैं ना, अगर मिल जाएगा तो हमारे पास एक और कलेक्शन बढ़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। आप क्या बोलते हो आयरन मैन सर? अरे बुर्वक फ्रैंकलिन, सिमचन, शिवा, अगर तुम लोग उस सूट को ढूंढ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुम लोग ढूंढोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। वो सूट लेके मेरे साथ और बैटमैन के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो अगर तुम उस सूट को ढूंढ सकते हो तो मैं तुमको वो सूट को एक हफ्ते के लिए यूज करने दूंगा, ये मेरा वादा है, समझ रहे हो ना तुम? अरे वाह आयरन मैन सर, ये तो बहुत ही तगड़ी वाली बात है। तो फिर अब टेंशन मत करो आयरन मैन सर, अब बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हम यू जाएंगे और यू आएंगे आपकी रियल सूट लेके। आप सोच भी नहीं सकते कि हम वो काम कर देंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। शिवा, सिमचन, चलो रेडी हो जाओ, आज हमको खजाना ढूंढने जाना है। अरे फिर से खजाना नहीं है, वो तो ड्रिल सूट है ना। अरे शिवा मेरे को पता है लेकिन वो कोई खजाने से कम नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। सबको पता है कि वो अभी मिलिट्री बेस में है लेकिन मिलिट्री बेस में कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, तो समझ रहा है ना? तो बहुत ही एक दिक्कत वाली बात है और मजेदार बात भी है। तो चल हम लोग अभी चलते मिलिट्री बेस में और जाके ढूंढते सीक्रेट बेस बैटमैन सर, और बैटमैन सर की बेस को ढूंढ के हमको वो ड्रिल सूट लाना पड़ेगा आयरन मैन सर के पास। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग उस सूट को सही सलामत ढूंढे तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, मजा ज़हत आएगा। सिमचन, शिवा, देख यही है वो मिलिट्री बेस जहाँ पर छुपा हुआ है रोबोट बॉय का न्यू ड्रिल सूट। अभी हमको बस उसको लेना है और आना है, लेकिन दिक्कत एक ही बात है, नहीं एक दिक्कत नहीं, दो तीन दिक्कत है। अरे फिंगुलिया दिक्कत का एक ही बात है, हम है साथ तो डरी क्या ही बात, अरे डर नहीं है भाई, डर नहीं है। अरे हाँ सिमचन तूने बिल्कुल सही बोला है, डर की कोई बात ही नहीं है। अरे वो तो मैंने बोला ना। अरे वो एक ही बात होता है, हम लोग तो एक ही है ना। हाँ हाँ एक ही एक ही, अभी सुनो मेरी बात को। पहली दिक्कत तो हमको पता नहीं है कि वो जगह कौन सी जगह है जहाँ पर छुपा हुआ है ड्रिल सूट, और दूसरी हमारे पास कोई लीगल इशू नहीं है जिसकी मदद से हम जा सकते हैं मिलिट्री बेस के अंदर, क्योंकि ये कोई एम्यूजमेंट पार्क नहीं है कि हम आए और अंदर चले गए और ढूंढते रह गए, क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस है तो हम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए हमको लीगल इशू चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, अंदर जाने का सीक्रेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ पर है। अरे यार तो फिर हमको लेके क्यों आया भाई, बता देता, हम जमाने में दम नहीं है, वो काम कर देते हैं। अरे फिंगुलिया ये शिवा क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो तेरे को पता नहीं, शिवा कभी कभी हाई हो जाता है, उसको पता नहीं है वो खुद भी क्या बोलता है। अरे फिंगुलिया ये तो बहुत ही मजेदार बात है। अरे तेरी मजे की, तो अब तू मेरे को ये बात बता हम अंदर कैसे जाएंगे।
अरे फिर भैया वो देखो गेट है ऊपर, उधर से चलते हैं, मजा आएगा। अरे मैंने तुम लोगों को बताया ना, हमें ऐसे नहीं जा सकते। वैसे तुम दोनों आ जाओ, आगे जाकर देखते हैं कोई सीक्रेट रास्ता मिलता है कि अंदर जाने का। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये मिलिट्री बेस है भाई, कोई एम्यूजमेंट पार्क नहीं है कि हम ऐसे ही घुस जाएंगे। भाई एक रास्ता मिल जाता बस, मैं दिखा देता सबको कि कैसे ढूंढना पड़ता है रोबो सूट। भाई कहाँ से मिलेगा रास्ता, पूरा का पूरा सील पैक है भाई। एक वो ही रास्ता है, एक वो ही मेन गेट है जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन इशू यही है कि हम मेन गेट से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम मेन गेट से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, और मिलिट्री वाले हमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम जेल में जाना, तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। शिमचन तेरे पास कोई प्लान है? अरे फिर भैया मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ। क्या जा सकता है भाई? अरे फिर भैया मुझे लगता है मैं गेट के अंदर जाके गेट को खोल सकता हूँ। अरे भाई वो तो मैं भी कर सकता हूँ यार, तू छोड़ यार, चल मेन गेट से जाएंगे यार, कोई रहेगा उसको टपका देंगे यार, चल आ जा मेन गेट से चलेंगे। अरे सिमचन हम लोग मेन गेट तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी क्या करेंगे? वो देखा आगे सामने मेरे को एक बंदा दिख रहा है, अभी हम क्या उसको मार दे या फिर साइड से चले जाए? अरे फिर भैया मुझे लगता है उसको मारना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो साइड से जाएंगे और बाद में वो दिक्कत कर सकता है। अरे हाँ सिमचन तूने बिल्कुल सही बोला है, उसको मारना ही ठीक रहेगा। अरे यार तुम लोग अगर इतना ही बोल रहे हो ठीक है, चलो मार ही देते, गन ले लेते हाथ में। ये देख सिमचन मैंने ले लिया है हाथ में देसी कट्टा, तू देख सकता है देसी कट्टा ले लिया है। अब कट्टा से इसको पटक से एक हेडशॉट दूंगा, बाकी देख मैं आगे जाके इसके साथ क्या करता हूँ। धीरे धीरे जाऊंगा ताकि इसको पता ना चले। भैया बस पीछे मत देखना भैया, मेरे को रोबोट सूट लेने दो, बाकी आपको मैं देख लूंगा यार, आपके घर पे जो भी होगा उसको देख लूंगा। सर जी हमको माफ कर देना भाई, यार मार दिया मैंने यार, एक बेकसूर आदमी को मैंने मार दिया यार। सिमचन ये सब तेरे वजह से हुआ। अरे फिर भैया मैंने किया क्या है, ये तो सिबा ने कहा ना। अरे सिमचन तू मेरे ऊपर बिल्कुल भी एलिगेशन मत दे। अरे भैया इंग्लिश का ही बोलते है, हम हिंदुस्तानी है, हमको हिंदी में बात करो ना। अरे यार तू कहा हिंदुस्तानी है, तू तो जापानी है ना। अरे हम हिंदुस्तानी, मेरा दिल है हिंदुस्तानी, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे तुम दोनों चुप करोगे, अभी चलो आगे जाके देखते हैं। भाई मेरे को एक तो मेरे को ये टेंशन हो रहा है, और इन लोगों को देखो भाई मजे पे मजे, मजे पे मजे कर जा रहे। गाइस यार सामने मेरे को एक और बंदा दिख रहा है भाई, क्या यार सबको मार दूंगा क्या मैं आज, पता नहीं यार क्या करूंगा। वैसे इसको भी मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे उधर से जाना पड़ेगा। लो जी भैया इसको भी मार दिया, पता नहीं और कितने खून करना पड़ेगा, कितने बेकसूर के लाश मुझे गिराना पड़ेगा। बाकी यार और कोई तो भाई क्या यार, वैसे लोग तो होंगे ही ना, मिलिट्री बेस है भाई, कोई भारे का टट्टू नहीं है ये जगह, एक मिलिट्री बेस है तो बंदे तो होंगे, ये मामूली बात है ना सिमचन। अरे फिर आपने बिल्कुल सही बोला है, बात मत करके जरा मारो ना बंदे को, मजा आ रहा है यार। इधर मैं बेकसूर बंदे को पाइप चुकर चुन के मार रहा हूँ एक रोबोट सूट के लिए, तुम लोगों को मजा आ रहा है? तुम लोग कैसे दिल के आदमी हो यार, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा यार। बाकी यार चलो यार आगे जाके देखते यार, मेरे को समझ भी नहीं आता, इधर मैं बंदे के ऊपर बंदे मारे जा रहा हूँ, इन लोगों को ओए यार मैंने इसको देखा ही नहीं। सर जी यार माफ कर देना, शायद उसके गर्लफ्रेंड के साथ वो चैट कर रहा था और मैंने उसको तभी मार दिया। उसके गर्लफ्रेंड बोल रहेगा अबे साले इतना देर क्यों लग रहा है रिप्लाई देने में। गाइस यार गाली निकल गया भाई, गलती से गाली निकल गया, माफ कर देना यार। ये हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा है भाई, पबजी का प्लेन भी है इधर भाई, मजा आ गया। लेकिन मुझे ये सब देखने नहीं आया, मैं रोबो सूट लेने आया हूँ। चलो भाई ढूंढते, ढूंढना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा मिलिट्री बेस है, ढूंढना तो पड़ेगा ही, बहुत ही वक्त लग जाएगा। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे भैया आ रही है पैरे चक्का थोड़ी ना है। अरे सिमचन तूने बिल्कुल सही बोला है, फ्रैंकलिन तू हर चीज में देर क्यों करता है? देर नहीं उसको कहते जल्दी। अरे हाँ मेरा वही मतलब था। अरे तू सिमचन के साथ रह रहे के सिमचन के जरा हो चुका है, अभी चल तुम लोग, तुम उधर जाओ तो मैं उधर जाता हूँ और तू उधर जा। अरे भैया क्या बोले, मेरे को समझ भी नहीं आया। अरे यार तुम लोग मेरे साथ चलो यार, तुम लोग को समझ भी नहीं आता यार। 80,000 impressions later. ओए ये क्या है? नहीं यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मुझे लगता अंदर कुछ हो रहा है यार। ये बिजली क्यों गरज रही है भाई, ना आसमान साफ है, नीला आसमान है एकदम, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन ये बिजली क्यों गरज रही है इधर? जो गरजता है वो बरसता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि इसके अंदर ही कुछ हो ना हो कुछ होगा, लेकिन इतना जल्दी मिल जाएगा मेरे को समझ भी नहीं आया यार। वैसे मैं 4-5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मुझे मिला, ये तो बस मैं मजाक में बोल दिया कि इतना जल्दी मिल गया, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे भाई, इतना बड़ा बड़ा गेट है भाई, अंदर कैसे जाएंगे इधर से? ओए अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, ये देख छोटे से छेद से मेरे को दिखाई दे रहा है। अरे कहाँ रहेगा तुम दोनों? अरे कहाँ रहेगा? अरे यार तेरे को कितनी बार बोला इतना जल्दी मत कर यार, जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे सिवा तूने बिल्कुल सही बोला है, आप इतना जल्दी का ही करते हो। अरे यार एक तो मेरे का समझ में नहीं आ रहा है अंदर कैसे जाएंगे, ऊपर से तुम लोगों को मजाक सोच रहा है यार। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि अंदर कैसे जा सकते हैं हम लोग? अरे फिर भैया मुझे लगता है अली बाबा का मंत्र बोलना पड़ेगा तो ये रास्ता खुल जाएगा। तुझे क्या लगता है शिवा? अरे मेरे को
कभी हो ही लगता है यार। अरे यार तुम लोगों का लगता है तो वो मंत्र क्या था रे सिमचन? अरे वो मंत्र था कुलदा सिमचिम। अरे चिमचिम नहीं सिमसिम था, मेरे को इतना तो याद है। तो आ जा भाई बोल के देखते एक बार, ठीक है ना? तुम लोग तैयार तो हो ना साथ में बोलना, वरना मैं अंदर चला जाऊंगा तुम लोग बाहर ही रह जाओगे, ठीक है ना? अरे भैया तुम टेंशन मत करो, तुम बस बोलो ना, हम लोग तैयार है ना। अरे तैयार क्या, बहुत तैयार, डबल तैयार है, तुम बस बोलो यार। अरे यार ठीक है चलो यार, खुल जा सिम सिम। ओए ये क्या हुआ, कलरफुल रोशनी गिरा और हम अंदर आ गए? अरे फिर मैंने बोला था ना मजा आएगा, मेरे को पता था ये दरवाजा ऐसा ही खुलता है। भाई वो बात तो सही है, लेकिन तेरे को कैसे पता चला ये दरवाजा खुल जा सिम सिम वाला मंत्र बोलने से खुलता है? अरे भैया बैटमैन सर नम दी अली बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, ये मेरे को पता है। अरे यार पता नहीं, और तुम लोगों को क्या क्या पता है। चलो यार ये केव जैसा लग रहा है दिखने में, आ जाओ देखते आगे जाके क्या है ये। अरे यार ये क्या हुआ भाई, उस तरफ कुछ और ही चल रहा है और इस तरफ से कुछ और ही चल रहा है। भाई इधर तो पूरा का पूरा केव बना के रखा है इन लोगों ने यार। और सिमचन शिवा कहाँ रहे तुम दोनों? अरे भैया हम कहाँ आ गए, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली जगह लग रहा है। अरे सिमचन मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मेरे को बचा ले यार। अरे कुत्ता पहाड़ जैसा है और मेरे को बोल रहे हो बचाने के लिए, तुम तो मेरे को बचाओ, मैं तुमको क्या बचाऊंगा। अरे तुम दोनों को डरने की कोई बात नहीं है, बैटमैन सर की जगह यार, तुम लोग टेंशन मत करो, मैं तुमको बचाऊंगा, ठीक है ना? आ जाओ अबे आगे जाके देखते क्या क्या है यहाँ पर। और ओ तेरी ड्रिल सूट, भाई तुम लोग देखो यार इस सूट को, भाई इतना आसानी से मिल जाएगा, मेरे को नहीं पता था यार। वैसे मैं मजाक कर रहा था, मैंने बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ इसको। भाई यार सूट को तो, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, उधर इधर आ जाओ, देखो असली चीज को यहाँ पर है भाई। ओ तेरी ये क्या है, ओए बैटमैन सर, ओ तेरी बैटमैन सर क्या कर रहे हो यार? मुझे लगता है बैटमैन सर वो लाइटिंग के ऊपर कोई काम कर रहा है। वैसे बाकी के बात छोड़ो यार, बैटमैन सर जब उधर देख रहे और उधर कोई एक बंदा है, उधर एक बंदा है भाई, मेरे को दिख गया एक बंदा है। अरे वो इधर मुड़ के भाई बॉडी शॉटी कर रहा है, पता नहीं वो कौन है, मार देता उसको भाई, पता नहीं यार कौन है। बैटमैन सर बाद में हमको ढूंढ के मार ना दे, वैसे हमारे आयरन मैन सर है हमको बचा लेंगे। बाकी भाई तुम लोग बस ये चीज़ देखो यार, बैटमैन सर वहीं पर है, हमको ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, वैसे वो काम कर रहे दिल लगे, मुझे लगता है हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो है। और देखो भाई ये तो वही है ना, ये तो वही पत्थर है ना जिससे सुपरमैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो भी हो बात की बात छोड़ो, हम इधर आए ये रोबॉय सूट के लिए। रोबॉय सूट को तो देखो गाइस यार क्या सूट है भाई, इतना खतरनाक सूट के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। अरे सिमचन शिवा इधर तो आओ, क्या पत्थर की तरह मुंह करके क्या देख रहे हो भाई तुम लोग, असली चीज़ को यहाँ पर है भाई। अरे फेक बिल्ली आ गई ना यार, ये क्या है, ये तो देख के लगता है ड्रिल सूट है, मजा आ गया। अरे वो तो बैटमैन सर है, जल्दी चलो इधर से वरना बैटमैन सर हमको नहीं छोड़ेंगे। फेक बिल्ली जल्दी चलो ना, वरना मार एक भी मिट्टी में नहीं पड़ेगा, सारे के सारे हमारे पिंट के ऊपर पड़ेगा। अरे सिमचन तू टेंशन काय लेता है, बैटमैन सर लगता है कोई मन लगा है, कोई काम कर रहा है, देख इधर देख भी नहीं रहा है, पीछे से हम इतना बात कर रहे फिर भी वो देख नहीं रहा है। अभी टाइम है सिमचन, आ जा हम लोग कॉम्बिनेशन पावर यूज करके रो वाई सूट को लेके अब भी इधर से चलते, वरना बाद में शायद टाइम ना मिले, समझ रहे ना तू? अरे फिर समझ रहा हूँ, उसी बार तुम इधर तो आउट कॉम्बिनेशन पावर यूज करना ही, वरना तुम इधर ही रह जाओगे और बैटमैन सर तुम्हारी मार देगा। अरे यार आ रहे ना, आ रहे ना, काय जल्दी कर तो इतना यार, आ जाओ कॉम्बिनेशन पावर यूज करते हैं, पता नहीं कौन ही है बैटमैन फैटमैन यार, देख लेंगे सब कर, तुमको पता भी है मैं कौन हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि कॉम्बिनेशन पावर एकदम चल रहा है, तुम लोगों की तरह फट्टू तो नहीं है कॉम्बिनेशन पावर। अरे फिर भैया ऐसे मत बोलो, बहुत पूरा लगता है। अरे हाँ सिमचन तूने बिल्कुल सही है पाला है, फ्रेंक भैया हमेशा हमारी बेइज्जती करते हैं। अरे बेइज्जती नहीं करता हूँ, तुम लोगों का तारीफ करता हूँ। बाकी चलो यार पहन लेते, वरना बैटमैन सर अगर नीचे आ जाएगा ना हमारी हजामत निकाल देगा, खुद आयरन मैन सर आके भी हमको बचा ना पाएगा। बाकी चलो जल्दी पहन लेते ये ड्रिल सूट। अरे भैया हमने कब बोला कि नहीं पहनेंगे, हम तो पहनने के लिए आए हैं, चलो पहन लेते हैं, मजा आएगा। ओ तेरी सिमचन क्या सूट है भाई, दिखने में तो खतरनाक लग रहा है और पावर भी एकदम आयरन मैन सर जैसे लग रहा है। अरे बैंगन भैया आपने बिल्कुल सही बोला है, अब जल्दी चलो बाहर जाके थोड़ा सा मजे करते हैं। उससे पहले बैटमैन सर अगर आप हमको सुन रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू और सॉरी यार आपके एक बंदे को मारने के लिए और आपके सबसे प्यारे सूट को चुराने के लिए जिसको हर कोई सालों से ढूंढ रहा है, हमने 4 घंटे में ढूंढ लिया, माफ करना है बैटमैन सर, हम जा रहे ठीक है ना इधर से, चलो भैया निकलते अभी, दरवाजा खुलेगा कैसे? अरे भैया फिर से मंत्र बोलो ना। अरे कौन सा वाला मंत्र भाई? अरे अली बाबा का मंत्र भाई। अरे वो क्या था यार? अरे खुल जा सिम सिम। अरे हाँ सिमचन तूने बिल्कुल सही बोला, वही वाला मंत्र था भाई, तू तो कमाल का है भाई। वैसे तू क्या बोलता है, ये सूट तो भाई मजेदार है और पता नहीं क्या क्या है, वैसे मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाने से पहले इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेल ले, क्या बोलता है तू? अरे भैया हम निकम्मा न किया है, चलो ना खेलते है। अच्छा तो तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है, रुक जाओ अभी मजे दिलाते तुम लोग को। ये देखो एक बार, इस बार देखो भाई, देखो भाई बम जाते हुए दिखाई दे रहा है मेरे को। ओ भाई देख रहे हैं ना तुम लोग? अरे भैया कुछ भी मजा नहीं आ रहा यार, चलो तुम इधर से। अरे क्या बोल रहा है ये, देख पूरे के पूरे प्लेन को फूट दिया। अरे भैया तब तो मजा आ गया है।
अभी मजा आया ना, जब 4-4-4 करेंगे तो तुम लोग को मजा आता है हमेशा। अरे देखो भाई सब सारे के सारे प्लेन को फोड़ूंगा ऐसे कि लगे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। अरे भैया हम टेररिस्ट थोड़ी ना है। अरे नहीं यार हम तो सुपर हीरो है, लेकिन मजा आता है यार ये सब करने, तेरे को पता ही है ना। अरे भैया हमको पता है यार, चलो अभी चलते हैं अरेंजमेंट सर के पास सूट लेके, मजा आएगा। अरे हाँ यार सही बोला तूने। तो गाइस अभी हम लोग ये न्यू ड्रिल सूट लेके चलते सीधा अरेंजमेंट सर के पास, और आप लोग लाइक करके दिखा दो कि आपने इस सूट को कितना पसंद किया यार, कमेंट में बताना कि ये सूट आपको कैसे लगी है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और सायोनारा।